प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान में अध्याय एक है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इस अध्याय के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास पहला प्रश्न है। बच्चों, आगे चलने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपकी तैयारी के लिए ही बनाया गया है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में कौन सी जड़ वाली सब्जी है, यानी जड़ वाली सब्जी कौन सी है। आलू जो है ये तना होता है बच्चों, गाजर आ जाएगी आपके पास, यानी आलू तना है इसलिए ये नहीं होगी, ककड़ी भी नहीं होगी और प्याज भी नहीं होगी। तो गाजर जो है बच्चों ये जड़ आ जाएगी, तो गाजर इसमें सही आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे क्लिक कर सकते हो तो ये गाजर आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं हम, यानी सरसों का कौन सा भाग है जो हम खाने के काम में लाते हैं। तो बीज और फूल ये नहीं खाते हम, बीज तो खाते हैं लेकिन फूल नहीं खाते, पत्ते और फूल ये भी नहीं, बीज और पत्ते हाँ ये करते हैं, बीजों से तेल निकाल लेते हैं सरसों का और पत्तों का साग बना के खा लेते हैं सरसों के, तो बीज और पत्ते खाते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जो है तना खाने योग्य है, यानी इनमें कौन सा तना जो है उसको हम खा सकते हैं बच्चों। तो तना कौन सा है जो खा सकते हैं, इसमें है अदरक है जैसे, प्याज है, आलू है, तो आलू का हम तना खा सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी नहीं होगा, गाजर तो जड़ है, फिर ये गाजर भी इसमें जड़ आ गई, प्याज आलू गाजर तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों ये सही है, अदरक भी तना होता है, प्याज भी तना होता है और आलू भी तना होता है, तो ये तीनों का तना आ जाएगा बच्चों। तो पहला प्रश्न इसका सही है, तो इसको आप टिक कर सकते हो बच्चों। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है ये, स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीज सबसे अच्छे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए अंकुरित बीज जो होते हैं वो सही होते हैं बच्चों, अंकुरित बीज आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, देखिए मनुष्य क्या है, सर्वाहारी होता है बच्चों। सर्वाहारी वो होता है जो शाकाहारी भी हो जो मांसाहारी भी हो, यानी जो मांस भी खाता हो और जो अनाज भी खाता हो वो सर्वाहारी होता है। तो मनुष्य मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है, लेकिन कई मनुष्य ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं जो कभी मांस नहीं खाते, लेकिन मनुष्य को सर्वाहारी में ही गिना जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सेट सही नहीं है। तो कौन सा सेट सही नहीं है, जैसे ये गाय है, खरगोश है, हिरण है, बकरी है, तो ये तीनों शाकाहारी हैं, ये सेट सही है बच्चों। फिर है बाघ, शेर, भेड़िया, तेंदुआ, तो ये तीनों जो हैं मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, ये भी सही है। फिर है भालू, कौवा, बिल्ली, तो ये भी सही है, ये तीनों सर्वाहारी हैं, ये मांस भी खाते हैं और रोटी भी खा लेते हैं बच्चों। लेकिन ये जो है खरगोश, हिरण, बिल्ली और भेड़िया, तो इसमें कुछ शाकाहारी हैं कुछ मांसाहारी है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें भेड़िया और बिल्ली जो हैं वो मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं। ठीक है, तो ये गलत है, इसमें छठे क्वेश्चन में ये गलत आ जाएगा। सातवां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प असत्य है। तो असत्य विकल्प हमने छांटना है, तो इसमें है जैसे अलग अलग लोगों के भोजन के लिए अलग अलग विकल्प होते हैं, तो ये सही है। यदि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता तो वह कमज़ोर महसूस करता है और बीमार पड़ने की संभावना होती है, तो ये भी सही है।
मनुष्य पशु पक्षी कीट आदि एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, तो ये गलत है बच्चों, तो ये असत्य आ जाएगा। यदि हम एक दिन भी भोजन नहीं करते तो हमारे कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, तो ये सही है। तो आपका आंसर यही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपने इस पे टिक करना है, इस ऑप्शन को आपने आंसर मानना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, खाना खाने के बाद हमें उससे क्या मिलता है बच्चों, ऊर्जा मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये सही आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, मधुमक्खियाँ अक्सर फूलों पर बैठी देखी होंगी, तो वो ऐसा क्या क्यों करती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं बच्चों, वो फूलों से मकरंद चूसती हैं, फूलों से उनका रस चूसती हैं, और उसी मकरंद से फिर वो बाद में शहद बनाती हैं, शहद का निर्माण करती हैं, तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपके पास। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए बच्चों। तो अगला क्वेश्चन पे आगे हैं, हम में से प्रत्येक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाली स्थान भोजन न करें, यानी हमें क्या होना चाहिए, कौन सा भोजन न करें, ताज़ा भोजन हमें खाना चाहिए, पका हुआ भोजन खाना चाहिए, तो बहुत समय से रखा हुआ भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीटाणु आ जाते हैं, बीमारियां लग सकती हैं, बासी भोजन कहते हैं ना जिसे, जो पुराना भोजन होता है उसे ना खाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, गिलहरी कैसा भोजन करती है, या गिलहरी के लिए कौन सा भोजन नहीं है। तो गिलहरी अनाज भी खाती है बच्चों, गिलहरी फल भी खाती है, गिलहरी दाल भी खा सकती है, लेकिन गिलहरी जो है कीड़े मकोड़े नहीं खाती बच्चों, क्योंकि गिलहरी जो है शाकाहारी है। फिर उसके बाद है बच्चों 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल खाने योग्य है। तो कौन सा फूल जो है वो खाते हैं बच्चों, कमल का फूल, केला, कद्दू, उपरोक्त सभी। तो हम केला भी खाते हैं बच्चों। फल आएगा बच्चों यहाँ पे, क्या आएगा, फल आ जाएगा। तो केला और कद्दू जो होते हैं दोनों फल हैं, और कमल का भी फल जब पक जाता है ना तो वो भी खा लेते हैं बच्चों, तो ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है बच्चों, बड़े पैमाने पर मछलियों के पालन और भोजन ये प्रबंधन को क्या कहते हैं, मत्स्य कृषि ये कहते हैं, मत्स्य पालन या मछली पालन कहते हैं बच्चों, जब मछलियों को बड़े पैमाने पर पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं को का मांस दोनों खाते हैं, यानी जो पौधों को भी खाते हैं, यानी अनाज भी खाते हैं या फल भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जो केवल फल और सब्जियां या अनाज खाते हैं या रोटी खाते हैं वो शाकाहारी हैं बच्चों, और जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी है, और जो दोनों चीज़ें खाए वो सर्वाहारी हैं। तो दोनों में ये पौधे और जंतुओं का मांस खाते हैं तो वो सर्वाहारी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, निम्नलिखित तो विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है, शेर मांसाहारी है, ये सही है बच्चों। फिर है, पौधे हमें जानवरों की तुलना में अधिक प्रकार के भोजन देते हैं, पौधे हमें जानवरों की तुलना में अधिक प्रकार के भोजन देते हैं, तो ये भी सही है बच्चों। फिर है, पका हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए आसानी से हम उसको पचा सकते हैं, तो ये भी सही, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले तीनों सही हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, दही जमाने के लिए दूध में क्या मिलाया जाता है बच्चों, दूध में क्या मिलाते हैं, बैक्टीरिया मिलाते हैं या जीवाणु होता है बच्चों वो मिलाते हैं, ठीक है, या यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिलाए जाते हैं, यीस्ट, ठीक है। तो ये हो सकते हैं ऑप्शन में, बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं, जीवाणु हिंदी में कहेंगे बच्चों। तो उसमें जामुन जो लगाते हैं ना, दही का जामुन लगा देते हैं दूध में, तो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो दूध से दही जमा देते हैं।
फिर निम्नलिखित में से किस जानवर के दांत नहीं होते? मच्छर के दांत नहीं होते बच्चों, सिंह शेर के होते हैं, सांप के भी होते हैं, गिरगिट के भी होते हैं, लेकिन मच्छर के दांत नहीं होते बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मच्छर। फिर 18वां प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है सत्य है? भारत के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की एक ही श्रृंखला है, तो ये गलत है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। प्रत्येक वस्तु जो हम खाते हैं को बनाने के लिए कई लोगों का योगदान होता है, तो ये भी गलत है, वो पेड़ पौधों से मिलता है बच्चों हमें। फिर है, पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और क्लोरोफिल का उपयोग करके भोजन बनाती हैं, तो ये सही है बच्चों। तो यही आंसर आपका आ जाएगा जो सही है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18-19 पे जाते हैं बच्चों, 20 क्वेश्चन है इसमें सारे, तो एक क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद। जब हमारे पास कुछ समय के लिए भोजन नहीं होता तो हम क्या महसूस करते हैं? कमजोरी महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं यदि भोजन ना करें। फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन है बच्चों, बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको बार बार देखें, याद करें बच्चों, आपके पेपरों में ज़रूर आएंगे इनमें से। निम्नलिखित में से किस एक सेट में केवल शाकाहारी जीव हैं? तो गाय भी शाकाहारी है, बकरी भी, खरगोश भी, हिरण भी, तो ये सेट जो है शाकाहारी है बच्चों। इसमें कुत्ता जो है शाकाहारी नहीं है, इसमें बिल्ली शाकाहारी नहीं है, इसमें कौवा शाकाहारी नहीं है, तो पहला आंसर सही आएगा जो इसमें सभी शाकाहारी जीव हैं बच्चों। तो बच्चों ये आज के इस लेसन के मुख्य प्रश्न थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर हैं, तो आपने ये करने हैं बच्चों, याद करने हैं, ध्यान से देखने हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।